लड़कों के शर्ट के बटन राइट साइड में और लड़कियों के शर्ट के बटन लेफ्ट साइड में क्यों होती है? और क्यों कोल्ड ड्रिंक के बोतल पर कोल्ड ड्रिंक पूरी भरी नहीं जाती? और एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर आप साइकिल से ऑफिस जाते हो तो आपको पैसे मिलेंगे। उसके साथ साथ एक ऐसा सागर भी मौजूद है जहाँ पर कोई भी आदमी नहीं डूबता। सो गाइस, आज का ये वाला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 20, एक ऐसा सागर जहाँ पर कोई भी नहीं डूबता, ये है मृत सागर। यहाँ पर कोई भी नहीं डूब सकता। इस सागर में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होने के कारण इसका डेंसिटी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी नहीं डूब सकता। नंबर 19, आपने बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता कि बरमूडा ट्रायंगल ने आज तक कितने जहाज को निकल चुका है? बरमूडा ट्रायंगल में आज तक कितने पानी के जहाज और कितने हवाई जहाज समा चुके हैं, इसका कोई भी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अब तक 2000 जहाज और 75 एयरक्राफ्ट इस बरमूडा ट्रायंगल में समा चुका है। नंबर 18, गाजियाबाद में एक ऐसा चोर पकड़ा गया जो कि मंत्री और विधायक के घरों में चोरी करता था, और यह चोर चोरी करके उन पैसों से गांव के विकास और गरीब लड़कियों का शादी करवाता था। सुगज वाले इस चोर का रास्ता गलत था, लेकिन इरादा सही था। नंबर 17, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन एक्सरे करवाना हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि एक मामूली से एक्सरे करवाने से भी हमारे शरीर को इतनी ज्यादा हानि पहुंचती है जिसकी भरपाई करने के लिए हमारे शरीर को एक साल तक का समय लग जाता है, क्योंकि एक्सरे के टाइम जो किरणें होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। सो गाइस, आगे से एक्सरे करवाते टाइम इन सभी बातों का ध्यान रखना। नंबर 16, नॉर्थ कोरिया कितना ज्यादा खतरनाक देश है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब नॉर्थ कोरिया में किसी को सजा दिया जाता है, तब सजा की तरफ पर मुजरिम की 3 पीढ़ियों को सजा दी जाती है। मतलब कोई अगर अभी चोरी करता है तो उसके पोता पोतियों को भी सजा दिया जाएगा, इतना खतरनाक होता है नॉर्थ कोरिया का कानून। नंबर 15, पक्षियों के बारे में ये फैक्ट शायद आपको पता नहीं होगा, जो पक्षी होते हैं ना वो लोग पेशाब नहीं करते। नंबर 14, अपने आए दिन एरोप्लेन के एक्सीडेंट के बारे में तो सुनते ही होंगे, और आप लोगों ने कभी ना कभी तो सोचा होगा कि एरोप्लेन के पैसेंजर को पैराशूट क्यों नहीं दिया जाता। सुगज, ऐसा ना करने के पीछे भी एक कारण है। सुगज, पैराशूट नहीं देने का कारण ये है कि पैराशूट यूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। पैराशूट यूज करने के लिए बहुत महीनों की ट्रेनिंग लगती है, लेकिन पैसेंजर तो इतनी महीनों की ट्रेनिंग कर एरोप्लेन में नहीं चढ़ेंगे, इसीलिए पैसेंजर को पैराशूट नहीं दिया जाता। उसके साथ साथ पायलट को भी पैराशूट नहीं दिया जाता, क्योंकि पायलट को अगर पैराशूट दिया जाएगा तो पायलट आपातकालीन स्थिति में अपना पूरा प्रयास करने से पहले ही एरोप्लेन से कूद जाएंगे, इसलिए पायलट हो या पैसेंजर किसी को भी पैराशूट नहीं दिया जाता। नंबर 13, आप भी ये सोचते हो ना कि बचपन की चीजें हमें क्यों याद नहीं रहते, क्योंकि बचपन के कुछ सालों तक हमारे मस्तिष्क में हिप्पोकैम्पस विकसित नहीं होता, और ये हिप्पोकैम्पस किसी चीज को याद रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए हमें बचपन के कुछ सालों के ज्यादातर चीजें याद नहीं रहते। नंबर 12, दुनिया के लगभग हर देशों में स्वतंत्र दिवस होता है, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई स्वतंत्र दिवस नहीं मनाया जाता, क्योंकि नेपाल कभी भी किसी दूसरे देश के गुलाम नहीं बना था, इसीलिए नेपाल पहले से एक स्वतंत्र देश था। नंबर 11, इम्फाल में स्थित मदर मार्केट भारत का एक ऐसा मार्केट है जो कि पूरी तरीके से महिला द्वारा चलाया जाता है। इस मार्केट में आपको कोई भी जेंट्स देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए ये मार्केट बहुत ज्यादा यूनिक है, और ये मार्केट आज से लगभग 100 साल पुराना है। नंबर 10, अभी जो आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर एक कुत्ता देख रहे हो ना, ये कुत्ता पूरी धरती पर एकलौता ऐसा कुत्ता है जो इस तरह का दिखता है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा कुत्ता नहीं है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। नंबर 9, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब मुर्गियों के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब मुर्गी अपने ही अंडों को खा जाती है, और मुर्गियां सिर्फ उन्हीं अंडों को ही खाते हैं जिसमें से चूजे नहीं निकल सकते। नंबर 8, क्या आपको कि फैंटा जो कोल्ड ड्रिंक है ना, यह कोल्ड ड्रिंक हिटलर के जमाने का है, जिसकी पीछे की वजह यह थी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जर्मनी में कोका कोला बनाने के लिए जरूरी सामान नहीं पहुंचा जा सकता था, इसलिए वो आके लोगों ने फैंटा का इन्वेंट किया था, और आज यह कोल्ड ड्रिंक वर्ल्ड फेमस कोल्ड ड्रिंक बन चुका है। नंबर 7, आपने रोलेक्स कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, रोलेक्स कंपनी बहुत महंगी महंगी घड़ी बनाती है, और रोलेक्स कंपनी का घड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे बहुत बड़े बड़े फेमस सेलिब्रिटी पहनते हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का घड़ी का प्राइस है 8 करोड़। तो गाइस, क्या आपको पता है कि रोलेक्स कंपनी का घड़ी इतना ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों होता है? दरअसल रोलेक्स कंपनी का घड़ी इतना ज्यादा महंगे होने का मेन कारण है इसमें लगे मटेरियल, क्योंकि रोलेक्स कंपनी के घड़ियों में बहुत महंगे महंगे स्टीलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रोलेक्स कंपनी का घड़ी गोल्ड और प्लेटिनम में भी बने हुए होती है, और सोने का पूरा काम रोलेक्स कंपनी में ही होती है, इसलिए ये रोलेक्स कंपनी की घड़ी इतना ज्यादा महंगी आती है। नंबर 6, क्या आपको पता है कि हवाई जहाज माइलेज कितना देता है? गाइस, क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है? सो गाइस, एक रिपोर्ट की माने तो हवाई जहाज 12 लीटर पेट्रोल में 1 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब एरोप्लेन 1 किलोमीटर चलने में 12 लीटर फ्यूल का इस्तेमाल करता है, और 1 लीटर फ्यूल में एरोप्लेन सिर्फ 0.8 किलोमीटर ही चल पाएगा। नंबर 5, जर्मनी में एक सुनसान इलाके में एक नदी पर बहुत ही अजीब तरह का एक पुल बना हुआ है, जिसे कि डेविल ब्रिज नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आसपास के कुछ लोगों का मानना है कि यह पुल अपने आप ही बना है, और कुछ लोगों का मानना है कि इस पुल को शैतानों ने बनाया है। तो गाइस, अगर आपको इस पुल में अकेला छोड़ दिया जाए तो आप क्या करोगे? नंबर 4, जर्मनी के बारे में एक और फैक्ट, जर्मनी के दीवारों में सुपर हाइड्रोफोबिक पदार्थ का यूज होता है, और इस पदार्थ का यूज करने से दीवारों पर एक ऐसा लेयर बनता है जिससे कोई अगर दीवारों पर पेशाब करता है तो वो पेशाब उसमें ही फेंक दिया जाता है। इस पदार्थ का इस्तेमाल तो इंडियन दीवारों में भी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इस पदार्थ का ज्यादा यूज होगा। नंबर 3, एक ऐसा देश जहाँ अगर आप साइकिल से ऑफिस जाते हो तो आपको पैसे मिलेंगे। दरअसल नेदरलैंड में साइकिल से ऑफिस जाने पर कंपनियों की तरफ से एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, क्योंकि साइकिलिंग का प्रमोट होने से इन देशों में पेट्रोल और डीजल का निर्भरता कम हो रही है, और लोग हेल्थी भी हो रहे हैं, इसलिए ही नेदरलैंड की सरकार ने यह स्कीम निकाला है। नंबर 2, कोल्ड
ड्रिंक के बोतलों पर कोल्ड ड्रिंक पूरा क्यों नहीं भरी जाती? अगर आपको भी नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ज्यादातर कोल्ड ड्रिंकों में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कोल्ड ड्रिंक गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपांड होने लगता है, जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक के बोतल पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है और बोतलों का प्रेशर कम रखने के लिए कोल्ड ड्रिंक को पूरा भरा नहीं जाता ताकि कोल्ड ड्रिंक का बोतल फटे ना। और इसके पीछे एक और कारण है, कोल्ड ड्रिंक के बोतलों पर कम कोल्ड ड्रिंक होने की वजह से जब कोल्ड ड्रिंक का बोतल खोला जाता है तब उससे कम कोल्ड ड्रिंक बाहर निकलता है। इन्हीं सब कारण की वजह से कोल्ड ड्रिंक के बोतल पर कोल्ड ड्रिंक पूरा नहीं भरा जाता। नंबर वन, लड़कों के शर्ट के बटन राइट साइड में और लड़कियों के शर्ट के बटन लेफ्ट साइड में क्यों होती है? तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, बताते थे कि पहले आदमी खुद अपने कपड़े पहनता है और महिला को दूसरे महिला कपड़े पहनाती थी और ज्यादातर लोग दाहिने हाथ से ही काम करते थे, इसलिए लड़कियों के शर्ट में राइट साइड में बटन और लड़कियों के शर्ट में लेफ्ट साइड में बटन होता है। तो गाइस आपने ये तो जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के घरों में 3 ब्लेड वाले पंखे और दूसरे देशों के सीलिंग फैन में 4 ब्लेड वाले पंखे क्यों होते हैं? अगर आपको भी जानना है तो लेफ्ट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके देख लो। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और आगे आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिल सकती है। तो गाइस मैं मिलता हूं आपको किसी और नेक्स्ट कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।